रखे ध्यान सपनों की उड़ान। आज की कहानी है एक ऐसे आंदोलन की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को एहसास दिला दिया कि भारत में उनके अन्याय का शासन हमेशा के लिए नहीं है। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा और यहां तक कि नमक जैसी जरूरी चीजों पर भी अपना एकाधिकार बना रखा था। भारतीयों को नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, जबकि भारतीय समुद्री तटों पर नमक आसानी से बनाया जा सकता था। इस मुद्दे ने पूरे देश में जाति, राज्य और भाषा की सभी दीवारें तोड़ दी। यह उन भारतीय महिलाओं के लिए भी एक शक्तिशाली मुद्दा था जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च निकाला। खुले आम नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे। वो देखो बापू और स्वयंसेवक आ रहे हैं। चलो भाई चलो, चलो भाई। लोग इस जुलूस में शामिल हो जाए। दांडी मार्च करने वाले लोगों के हाथों में एक भी तख्ती या झंडा तक नहीं था। सत्याग्रही 240 मील लंबी यात्रा करके 24 दिनों बाद दांडी पहुंचे, जहां पर सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, लाठी चार्ज कराओ। पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई, मगर किसी ने भी पलटकर वार नहीं किया। उनके इरादे साफ थे, अगर आप हमें मारेंगे तो हम पलटकर वार नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके नियम कानून भी नहीं मानेंगे। साथियों, हिम्मत न हारना, अंग्रेजों की लाठियों से घबराना नहीं, बढ़ते चलो। नमक आंदोलन की व्यापकता को देखकर अंग्रेजों ने समुद्र किनारे फैले नमक पर कीचड़ फैला दिया, मगर महात्मा गांधी ने उसी कीचड़ सने नमक से अंग्रेजों को सबक सिखाया। अहिंसा के साथ शुरू हुआ यह मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरा। इस सत्याग्रह ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी के बाद पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद आने वाले महीनों में जमकर गिरफ्तारियां दी गई। पूर्ण स्वतंत्रता हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन से लेंगे। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की। इस अहिंसक आंदोलन के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलने लगी है।